ये देखिए, भारतीय क्विजन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी बस्ट पिज्जा बनाना, तो जिसमें कि बहुत सारी चीज निकल कर आती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितनी चीज डलेगी और कौन सी चीज डलेगी और इसको बनाने में कितना समय लगेगा और बिना इसके ये कैसे बन सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये कैसे बनता है। पिज्ज़ा इसके लिए मैंने डाल लिया है ये 1 कटोरी मैदा, यानी कि 100 125 ग्राम के करीब मैदा। 1 चम्मच हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच ले लेंगे हम बेकिंग सोडा। दोनों ही इसमें बहुत ज़रूरी है और डाल लेते हैं करीब 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून ऑयल। नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार और डाल लेंगे चीनी 1 चम्मच और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाल लेंगे एकदम खट्टा दही। जितना खट्टा होगा दही उतना अच्छा हमारा ये राइस करेगा। अच्छे से आटा बना लेते हैं। इस तरीके से स्टिकी डो लगाना है हमें। इसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, जिससे कि एकदम स्मूथ बन जाए हमारा डो। फ्रेंड्स ये देखिए, डो हमने अच्छा सा चिकना कर लिया है। अब इसके मैं 2 पार्ट्स कर लेती हूँ। एक हिस्से को थोड़ा बड़ा रखेंगे और एक हिस्से को थोड़ा छोटा रखेंगे। छोटे हिस्से का हमें इस साइज़ की रोटी बनानी है क्योंकि हमें इसमें पिज़्ज़ा बनाना है। तो बना लेती हूँ रोटी की जैसे पतली मोटाई। और जब तक ये कर रहे थे हमने तवा गरम उन्हें रख दिया है। इस बनाई हुई रोटी को मैंने पहले से ग्रीस तवे पे डाल दिया है। बहुत ही हल्का सेकना है दोनों तरफ से, एकदम रेड नहीं करनी है, हल्का सा सेकना है बस। एक तरफ से हल्की सिक गई है और इसको फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए ये सिक गई है हमारी दोनों तरफ से, बस इतना ही हमें इसको सेकना है। निकाल लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं इसके बेस की। अब जिसमें हमें पिज़्ज़ा बनाना है उस प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इसमें ये फैला देंगे ये बड़ा वाला पार्ट। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है और साइडों से इसके किनारे जो हैं इस तरीके से डीप कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। पहले इसको ट्रिक कर लेंगे कांटे से, जिससे कि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो फूलेगा नहीं, अंदर तक अच्छे से सिक भी जाएगा, कच्चा भी नहीं रहेगा और फूलेगा भी नहीं। इस तरीके से आप घर में बनाइए एकदम फ्रेश और डिलीशियस पिज़्ज़ा। और स्प्रेड कर देंगे ये चीज़ स्प्रेड, ये अमूल वाला चीज़ स्प्रेड, आप कोई सी भी कंपनी का ला डाल सकते हो या फिर आपके पास नॉर्मल चीज़ हो तो आप उसमें हल्का सा दूध डालकर उसको फेंट भी सकते हो। इस तरीके से पूरे में स्प्रेड कर देंगे हम। अच्छे से चीज़ स्प्रेड कर दिया है, अब इसके ऊपर रखेंगे ये हल्की सिकी हुई रोटी। इस तरफ से रख देती हूँ और इसको इस तरीके से पैक कर देंगे हम, जिससे कि हमारा जो है चीज़ बाहर नहीं निकले। चारों तरफ से इस तरीके से पैक कर देंगे। अच्छे से कवर कर लिया है मैंने चारों तरफ से। अब इसमें हल्का हल्का बटर लगा देंगे हम। बटर को हल्का सा मेल्ट कर लिया है क्योंकि सर्दियां हैं, थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया है।
ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी सिकाई अच्छी होगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब लगाते हैं हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने घर में बनाया है। आप चाहें तो सिंपल सॉस से भी बना सकते हैं, और सॉस में आप चाहें तो चिली सॉस भी मिला के डाल सकते हैं। बीच बीच में लगाना है और अच्छे से लगाना है, और इस पे रखेंगे हम सब्जियां अपने मनपसंद की। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ कॉर्न जो कि मैंने उबाल लिए हैं। और रख देंगे टमाटर, जैसी शेप आप काटना चाहें कि वैसे काट सकते हैं, और जो भी सब्जी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ टमाटर, कॉर्न और ये शिमला मिर्च। आप इसमें डालेंगे बहुत सारा चीज, मोज़रेला या जो भी चीज़ आपके पास हो वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके पहले भी चीज़ डाल सकते हैं, पर मुझे ऊपर से डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से कवर कर देंगे और थोड़ी सी सब्जियां मैं इसके ऊपर से भी डाल देती हूँ जिससे इसका लुक सुंदर आए। माइक्रोवेव मैंने 200 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है, और इसको रखेंगे हम माइक्रोवेव की हाई रैक पे। और रखने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो रख देते हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव हमारा प्रीहीट हो गया है और हम इसको रख देते हैं 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, और फिर अगर और टाइम लगेगा तो और कर लेंगे। वाह, देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। वाह कितना अच्छा, ये देखिए वाह अच्छा सा क्रस्ट आ गया है इसमें, और चीज़ भी अच्छे से पिघल गई है। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए चारों तरफ से बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है हमारा, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए किस तरीके से हमारा चीज़ पिघल रहा है, देखिए और बाहर निकल रहा है। एकदम परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। सर्व कर देते हैं। इतना अच्छा पिज़्ज़ा अगर हमें घर में मिल जाए खाने को तो बाज़ार क्यों जाएं? वाओ, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो। आप चाहें तो डालिए, चाहे तो नहीं डालिए, आपके टेस्ट के ऊपर है। और डाल देती हूँ थोड़ा सा सॉस भी। बन गया ना मार्केट से भी अच्छा, एकदम फ्रेश होममेड पिज़्ज़ा ब्रेस्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाकर देख लीजिए इस तरीके से ब्रेस्ट पिज़्ज़ा, घर में ही एकदम फ्रेश, जब मन हो तब बना सकते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है, और आप चाहे तो इसे कढ़ाई में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर से बनाकर देखिए और अपने अनुभव मुझसे जरूर शेयर कीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर दीजिए, और आपको अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन अगर आपका लाल है तो उसे दबा दीजिए प्लीज, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मेरी रेसिपी
अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।